काफ़ी जिज्ञासा है, वे लोग जानना चाहते हैं कि क्या पशुओं से कोरोना वायरस मनुष्य में आ सकता है या वो संक्रमित कर सकते हैं मनुष्यों को। तो जो टेक्निकल जानकारी उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि जो कुत्ते और बिल्लियों में कोरोना वायरस है वो स्ट्रेन्स बिल्कुल भिन्न है मनुष्यों के कोरोना वायरस स्ट्रेन्स से। जो कुत्तों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है उसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस आता है, जिसके अंदर की वोमिटिंग, डायरिया और ब्लड आ जाना उसके अंदर डायरिया में। बिल्लियों में जो कोरोना वायरस होता है वो है फेलाइन इन्फेक्शन पेरिटोनाइटिस, और ये दोनों ही मनुष्यों में संक्रमित नहीं होते हैं, नहीं फैलते हैं जानवरों के द्वारा। रही बात बिल्लियों की, तो ये देखा गया है कि वुहान चाइना में लगभग 15% जेनेटिक ड्रिफ्टिंग या सीरो कन्वर्शन देखा गया है। ये एक गुण है वायरस का, जिसमें कि वायरस अपना प्रारूप बदल लेता है और उस बदलने के कारण से वो दूसरे स्पीशीज के एनिमल्स को वो अफेक्ट कर सकता है। इसी कारण से मनुष्यों से बिल्लियों में ये इन्फेक्शन देखा गया है। जो उदाहरण है US का, वहाँ पर भी एक टाइगर में देखा गया है जो मनुष्य के द्वारा टाइगर में गया है, लेकिन ये उदाहरण कहीं देखे गए, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि पशुओं से मनुष्यों में इस वायरस का संक्रमण हुआ है। जहाँ तक कुत्तों का सवाल है, कुत्तों में ये सीरो प्रेवलेंस, ये ड्रिफ्टिंग नहीं देखी गई है,